ये खाद है, गोबर की खाद है। हमारे सारे पौधे सर्दियों में मुरझा जाते हैं। अब थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लग गई है, गर्मी का मौसम हो रहा है, तो हम इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और इस खाद को सबसे पहले मैंने देखी, ये सूखी है थोड़ी सी, दिख रहा है कैसी है कि नहीं, गोबर की खाद है, सूखी हुई है। तो हम एक काम करेंगे, इसको ये बाल्टी में जो पानी है इसमें हम डाल देंगे, ठीक है, अच्छे से तोड़ के डाल दें। और गीली खाद हो तो ठीक है, थोड़ा ये भीग जाएगी, और हम इसे 2-3 घंटे के लिए भिगा देंगे। ऐसे करके इसको ये हम 2-3 घंटे के लिए, इसको देखिए ये ऐसे डाल दिया पानी में, भीग जाएगा अच्छे से। और मेरे कम से कम 15-20 गमले हैं, तो मुझे सारे, तो हम इसे गीला करके डालेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और इससे फ़ायदा ये रहते हैं कि हमारे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं वो भी गोबर खाद से मर जाते हैं। गोबर खाद एक हमारी प्राकृतिक खाद है जो बहुत ही अच्छी होती है हमारे पौधों के लिए। रासायनिक खादों की अपेक्षा हम अगर प्राकृतिक खादों का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये स्वास्थ्यवर्धक भी होती है पौधों के लिए। और जो हमारी सब्जी वगैरह होती हैं बहुत सारी, देखिए काफ़ी इसमें सूखी भी है, गोबर को लोग हाथ से छूने में थोड़ा सा, तो आपको अगर कोई घिन टाइप का लगे तो आप पन्नी हाथ में बांध के यूज़ कर सकते हैं, मुझे ख़राब नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग, आपको पता हो प्राचीन काल में, प्राचीन काल क्या, अभी भी गांव में इसे पूजा पाठ में गोबर से लीपा जाता है तब जाके शुद्ध होता है। तो हमने ये देखिए इतनी है, अब इस खाद को हम ऐसे इसमें पड़ा रहने देंगे 2 से 3 घंटे तक। बहुत बढ़िया से जब ये घात हो जाएगी तो हम इसको यूज़ करेंगे अपने सारे पौधों में। तो पहले हम पौधों की अच्छे से सफाई कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से डूब गया है, सिंक कर दीजिएगा, एकदम भिगा दीजिएगा इसको। देखिए ये हमारे जो कृषि का है, कक्षा 6, 7, 8 में कृषि सब्जेक्ट जो आपका है उसमें बच्चों को ये बताना पड़ता है कि कैसे आप, तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों को हर चीज़ की जानकारी होनी भी चाहिए। अब हम इसके बाद पौधों की ये देखिए सफाई करेंगे। पौधे हैं देखिए कितने मुरझा भी गए हैं सारे पौधे मेरी तुलसी से लेके, तो आप पहले हम इन पौधों की सफाई करेंगे। ये अच्छे से साफ़ कर लेंगे इनको बढ़िया से इसके अंदर से, ताकि ये इसमें खाद डालने योग्य हो जाए। पहले हम इसकी सफाई करेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए इसमें ये जितनी गंदगी है बाहर निकाल देंगे इसमें से, ताकि जो हम खाद डालेंगे वो अच्छी हो, इसमें पनप जाए। ये जरा कुछ भी मेरा सूख चुका है, तो हम पहले इसको अच्छे से साफ करेंगे और इसको थोड़ा सा गुड़ाई टाइप के कर देंगे, जिससे ये हम खाद डालें वो इसमें अच्छे से हो जाएगी। मेन तो इसमें जो पत्ते वत्ते पड़े हैं इनको हटाने, वैसे पत्तों से भी जो है अगर अंदर चले जाएं सड़ जाएंगे तो ये भी खाद का काम करते हैं। तो हम इनको ऐसे साफ़ करेंगे पूरा, ताकि इसमें जगह बना दे कि अंदर वो पनप जाए खाद को। 3-4 घंटे के लिए हमने, क्योंकि हमें सब में खाद डालनी है। देख रहे हैं आप पूरे, देखिए इसको कैसे साफ करना है ये, ताकि इसके अंदर ही अच्छे से खाद एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए ये मेरा सारे पौधे, देखिए सर्दियों में इनका ध्यान नहीं दिया गया है, अब इनकी बारी है ध्यान देने की। तो हम इनको अच्छे से साफ करके जिनको जिस चीज़ की नीड है वो देंगे। अब ये देखिए सारे पौधे मैं अलग भी करूँगी, इनको दूसरे पौधे में लगाऊँगी भी। देखिए कैसे ये बड़ा हो रहा है, और देखिए इसमें ये हम थोड़ा सा अच्छे से गुड़ाई करके इसकी खाद इसमें डाल जाए, इसके अंदर चली जाए। अब गर्मी आ गई तो बढ़िया से फूल खिलेंगे इसमें। और ये जो आपके हैं, तो ये मेरे थोड़ा सा ही छोटा सा मैंने गार्डन है, क्योंकि समय हमको मिलता नहीं है, लेकिन जितना है बहुत अच्छा है। अब हमने इसको साफ़ कर लिया है,
शहरों में मिट्टी की भी कमी होती है, जगह की भी कमी होती है, दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो इनको हमें करना पड़ता है। और ये देखिए, इसको भी हम इसमें से भी गंदगी निकाल देंगे और इसकी जगह भी चेंज कर देंगे। अब सूख गए हैं, इसमें से ये सूखा वाला निकाल भी देंगे, देख रहे हैं, इसमें से ये सूखा वाला है जो कितना अच्छा खिला हुआ है ये, तो हम इसमें से ये गंदगी निकाल देंगे। और ये देखिए, इस वाले में से भी सफाई करेंगे हम। मेरा मनी प्लांट इधर उधर बहुत है, अब इसकी भी ड्रेसिंग करेंगे। देखिए कितना सूखा पत्ता सब निकाल देंगे इसमें से हम। हम सूखे पत्ते सारे निकालेंगे, बहुत दिनों से इनका केयर नहीं हुई, जैसे तरह से यहाँ पे शरीर की केयर की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हमें इन पौधों की आवश्यकता करनी, केयर करनी चाहिए। इनको भी समय समय पर मेकअप की ज़रूरत होती है, जैसे हम अपने शरीर में मेकअप लगाते हैं। आज संडे है, जैसे कि हम लोग संडे को अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं ताकि हमारे बालों की कंडीशनिंग हो जाए, ठीक वैसे ही इनकी देखिए। और ये मेरा टूटा हुआ गमला था, डब्बा था, उसी में मैंने लगाया था, लेकिन ये काफ़ी चल गया है। और ये मेरी तुलसी है, यहाँ देखिए काफ़ी कुछ अच्छे से मैंने इसको कर रखा है। मैं सारे गंदगी इकट्ठी करके रख दूँगी, देखिए खाद बनाने के लिए इसमें डाल देंगे, और ये बहुत अच्छे से फिर और भी बढ़िया से होगा। इसमें कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है, एक तरफ कड़ी पत्ता है जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसमें कड़ी पत्ता भी है और ये तुलसी भी है, दोनों ही चीज़ें हैं इसके अंदर। देखिए ये देखिए, ये देखिए, इसमें हम इसको अच्छे से कर देंगे ताकि जब हम इसमें खाद डालेंगे तो ये आराम से इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, घुस जाएगा अंदर, तब ये जब तक जड़ों में नहीं जाएगा तब तक ये काम है। जैसे हम तेल बालों में जब तेल लगाते हैं तो जड़ों से लगाते हैं, ऊपर ऊपर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए इसके बढ़िया हो गया ये, अब हम इसको बढ़िया से, और इसका भी बन गया है। अब आप देखिए ये छोटा सा, ये देखिए हमारा जरा कुछ है और इसमें ये लगा हुआ है। कुछ पौधे देखिए अपने आप हो जाते हैं, उनको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, अब ये देखिए इसमें से ये जो पौधा आपका है, ये देखिए मकोई बोलते हैं इसको, ये देखिए इनको हमने लगाया नहीं था। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, इसमें फल भी लगा हुआ है, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, ये हम लगाए नहीं, खुद हुआ है इनको, ये भाई सब खुद आ जाते हैं हर बार, और जब आ जाते हैं तो हम इनको जगह दे ही देते हैं कि रहो आप। तो हम इसको बहुत अच्छे से बढ़िया से कर देंगे ताकि ये अच्छे से पनप जाए, और बढ़िया से हम इसको गुड़ा कर देंगे ताकि इसका जब हम इसमें खाद डालें, खाद डालने से पहले ये सब चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए जिससे ये बढ़िया से हो जाएगा। गोबर की खाद है हमारी, प्राकृतिक खाद है, और ये जो खाद होती है हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मकोई है आपका, ये जराकुस है, ये जराकुस होता है, ये आपका पपीता लगा हुआ है, पपीता ऐसे लगा रखा है कि ये डेंगू सेंगू होता है, पपीते के पत्ते नहीं मिलते हैं, तो हम पपीतों के पत्तों के लिए इसको लगाए हुए हैं। बाकी छोटे से गमले में इसका, इसमें दो तीन चीज़ें अपने आप आ गई हैं तो उसको मैं निकाला भी नहीं है, और खाद डाल दूँगी, और खाद मैं महीने में दो महीने में जैसे मुझे समय मिलता है वैसे डाल देती हूँ। और खाद हमें जहाँ से हमारा दूध आता है वहीं से हमारी खाद आ चुकी है, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है। ये देखिए मेरा ये वाला प्लांट, देखिए ये कितना बिल्कुल टाइट हो चुका है, इसको करना आसान नहीं है लेकिन ट्राई मारती हूँ। ये देखिए इसमें अपने आप ही गेंदे का भी निकला हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें देखिए गेंदा वेंदा भी निकला हुआ है, ये देखिए गेंदा है, ये आपका गेंदा हो गया इसमें बहुत बढ़िया से। हम इसको गुड़ाई करके फिर डालेंगे सारा इसमें, तब तक हमारा खाद भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, बढ़िया से फूल जाएगा। कोई भी चीज़ है जैसे हम मेहंदी को बहुत समय तक फुला देते हैं तब लगाते हैं, ठीक वैसे ही खाद को भी अगर फुला दो,
अगर इसको तो 2-3 दिन रख दो तो और भी अच्छा होता है इसका रिजल्ट। तो प्राकृतिक खादों में आप इसमें केला के छिलके होते हैं वो अंदर डाल दीजिए, बहुत बढ़िया रहता है, कैल्शियम मिल जाता है उसको। आपकी विटामिन्स की जो गोलियां हो अगर वो भी पड़ी हैं तो इधर उधर फेंकने के बजाय इसमें आप डाल दीजिए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। तो ये पौधा बहुत बढ़िया हो गया। अब देखिए हमने इसको इस मुलायम कर दी मिट्टी को, जब हम इसमें डालेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि हमें जड़ों तक अपनी खाद को पहुँचाना है। जब आपके शरीर में जड़ों में जो भी आपका खाना है आपके अंदर जाएगा शरीर के, तभी आप उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक वैसे ही इनको भी वैसे ही ज़रूरत है। देखिए कितने अच्छे से ये, अब आप देख लीजिए ये दूसरी तुलसी है और इसमें मैंने गणेश जी के लिए कुशा लगा रखा है। कुशा आपको पता ही है कि कब यूज़ किया जाता है, कुशा आपका ये गणेश जी के लिए चढ़ता है और कई पूजा में इसकी वो मंगूठी टाइप की बना के और पंडित जी लोग बनाते हैं, तो ये वही कुशा है, कुश बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत समय से इनकी देखभाल नहीं हुई है तो देख सकते हैं कि क्या कंडीशन हो गई है। तो आज संडे है तो संडे का काम होता है इस तरह से सब चीज़ें करने का। ये देखिए अब मैं इसको सबको एक तरफ कर दूंगी, फिर इसकी गुड़ाई करूंगी, कुछ निकाल भी देती हूँ, एक तरफ रखूंगी क्योंकि पूरा गमला से वो हो रहा है। ये देखिए ये इसमें प्रॉपर वे में पानी पड़ता भी रहता है। अब देख रहे हैं इसको कितने अच्छे से ये, और इसको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको ऐसे ही अब थोड़ा सी पर मिट्टी चढ़ा देती हूँ, इससे और भी जगह बन जाएगी और अब धूप लगेगी इसको आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और ये दूसरे पौधे में जाके घुस रहे हैं तो हम एक तरफ कर देंगे इसको। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और गार्डनिंग पर्यावरण का हमारा प्राकृतिक औषधि है। कुछ पौधे अपने आप निकल आते हैं तो कुछ घास भी होती है, तो जैसे कि ये देख ही रहे आप, तो हमारा ये भी हो गया। और अब इसके बाद हम ये हमारा प्लांट है आपका, ये देखिए इसके बाद ये आपका है अपराजिता, ये सूख रहे हैं भाई साहब, इनको बहुत ज़रूरत है गुड़ाई की भी हर चीज़ की। और देखिए अपराजिता की कंडीशन भी कुछ ऐसे हो रही है तो हम देख ही रहे हैं। और इसमें भी एक पौधा अपने आप निकल आया, कुछ धनिया निकल आई हैं। देखिए अब हम इसमें ऐसे कर देंगे, बढ़िया से ये चलेगा। अब इस पौधे को हम अच्छे से लगा देते हैं, चल जाएगा पौधा आराम से। ठीक है, नहीं तो हमारे पास जो गमला खाली होगा उसमें लगा देंगे इसको, और इसको हम ऐसे ऐसे टांग देंगे। ठीक है, ये देखिए अब इसकी भी कर देते हैं गुड़ाई। ये देखिए इसमें ये जो है आपका पौधा, ये है आपका है, इसमें देखिए दिख रहा है आपको, यह है आपका जेड प्लांट, जेड प्लांट है, इसकी भी हम गुड़ाई कर देंगे बढ़िया से। ठीक है, ये छोटा प्लांट है लेकिन बहुत बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया खिला हुआ हमारा जेड प्लांट, ये हमारा जेड प्लांट है। और अब हम इसमें ये तो सब पौधे हो ही चुके हैं, जेड प्लांट भी हम कर दिए हैं, तो इस तरह से हम सब में खाद डालेंगे सारे पौधों में बढ़िया से। तो खाद की भी अच्छे से बताएंगे किस तरह से इसमें डाली जाए। एक ये पौधा आपका है, देखिए इसमें फूल खिल भी रहे हैं और इसको भी ज़रूरत है, इसमें ये भी भाई साहब लगे हुए हैं, तो हर किसी एक में दो दो की व्यवस्था है। ये देखिए इसमें भी दो लगे हुए हैं और हम इसको भी अच्छे से कर देंगे ताकि इसमें जब खाद डालेंगे तो नीचे तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हम डालते रहेंगे और बहुत सारे पौधों में इसी तरह की हम सारे पौधों की सफाई करेंगे, तभी खाद को डालना चाहिए ताकि खाद जो डालें वो नीचे तक
चली जाए। मेन उद्देश्य होता है हमारा कि वो एब्जॉर्ब करे हमारे इसमें। ये देखिए, ठीक है, बढ़िया से हो गया। इसको बढ़िया से आप सारे पौधों को कर देंगे। इसके बाद हम आपको दूसरे पौधे भी ले चलती हूँ, दिखाती हूँ। क्योंकि अगर हमने इनकी गुड़ाई नहीं की सही से तो ये गड़बड़ हो जाएगा मैटर। अब हम इन पौधों की ओर चलते हैं। ये देखिए, और भी पौधे रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए कितने सारे पौधे हैं हमारे। अब ये इसमें से सारे पौधों को नीड है, अच्छे से गुड़ाई की नीड है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, सबको गुड़ाई की नीड है। जैसा आप देख रहे हैं कि जितना आप इसको गुड़ाई करेंगे उतना अच्छा से ये होगा। और गेंदे के हम लोग बीज ऐसे डालते रहते हैं पौधे में, फूल अपने आप इसके पौधे निकल रहे हैं। आप जो फूल चढ़ाते हैं भगवान को, इधर उधर न फेंक करके गमलों में ही डाल दीजिए। आपके नए पौधे देखिए तैयार हैं, आपके ये नए पौधे तैयार हैं। इसमें देख रहे हैं आप, जैसे कि इसी तरह से आप देखेंगे, इसको भी देखिए। ये देखिए, इसमें भी गेंदा निकल आया है। गेंदे के हमें पौधे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, इसी तरह से हम इसको कर देंगे। और ये हमने इसमें कर दिया है। देखिए, इस पौधे को भी अच्छे से कर देंगे तो ये लग जाएगा बढ़िया से। अब ये हमारा कामनी है, ये शायद घास है, तो इसको हम निकाल देंगे और इसमें हम दूसरा पौधा लगा देंगे। इसमें हम दूसरा पौधा लगा देंगे। एक और भी है, यहाँ देखिए कई पौधे लगे हैं, सब जगह हमारे निकल आए हैं, तो हम इनको अच्छे से लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, और ये मैंने ज़रा कुछ इसमें ऐसे लगा दिया था तो ये लग जाएगा इसमें। ये मेरा खुद का अपना गार्डन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ अपने शौक के लिए बनाती हूँ मैं, मुझे पसंद है। अब देखिए, देखिए इसमें कितने सारी, अब इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुड़ाई की भी, खाद की भी। आप इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल, इसका फूल बहुत दिनों से नहीं आ रहा है क्योंकि सर्दी बहुत थी, बहुत बचाते हैं तब जाके बचा हुआ है। अब इसका आप देखेंगे कि ये जो पौधा है, इस देखिए इसका बीज देख रहे हैं किस तरह से ये लाल लाल है। ये देखिए, ये लाल बीज है इसका, और देखिए ये इसके ग्रीन ग्रीन बीज है, बिल्कुल नींबू की तरह देखते हैं। और मधुकामनी के हैं ये, मनोकामनी बोलते हैं। ठीक है, कोई कुछ बोलता है तो ठीक है। इसमें जो फूल निकलते हैं वाइट कलर का फूल होता है, बहुत खुशबू देता है। अब आप देखिए इसको, ये तुलसी माता जी हमारी हैं, सूख चुकी हैं एकदम। इसमें से पौधा सही है, नीचे बहुत दिन से इनकी गुड़ाई नहीं हुई है, तो हम इनकी अभी गुड़ाई करेंगे क्योंकि हमें इसमें सब पौधों में खाद डालनी है। और हम फिर बराबर इसमें खाद डालेंगे, किसी बर्तन की सहायता से डाल देंगे। पानी जहाँ डालते हैं वहीं खाद डाल देंगे, पानी का भी काम हो जाएगा और खाद की खाद सब में। देखिए हमारे पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये भी तुलसी है, इसको भी गुड़ाई की ज़रूरत है। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से पूरा मैंने गुड़ाई कर दिया है। जैसे अब देखिए, संडे संडे हमें इनको देना पड़ता है, बाकी तो नहीं दे पाते हैं टाइम। और ये देखिए, ये आपका है, इसमें भी एक पौधा मेरा पूरा सूख चुका है, तो हम इसको सिर्फ इसमें एक ही लगा हुआ है इसमें, ये हाँ इसमें भी कली लगी हुई है, तो इसका मतलब एक पौधा दे देगा, नहीं तो इसमें हम दूसरा पौधा लगा देंगे। गुड़हल का पौधा लगा देंगे, ढेलिया का पौधा है हमारे पास, तो वो लगा देंगे, कोई भी पौधा लगा देंगे। अब ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए इसको कितना बढ़िया है ये वाला है। इसको भी ज़रूरत है गुड़ाई की, बस सबको गुड़ाई की ज़रूरत है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा कर देंगे ताकि हम जो खाद डालें इसके अंदर जाए। मेन उद्देश्य हमारा है खाद डालने का आज, या हम इसको ऐसे कर देंगे बढ़िया से। खाद किसी बर्तन की सहायता से ही डालेंगे हम इसमें ताकि अच्छे से पड़ जाए।
अब देखिए ये भी जेड प्लांट है, ये देखिए जेड प्लांट इसमें लगा हुआ है, छोटे छोटे पौधे इसे निकल आते हैं। हम इसमें भी उड़ाई कर देंगे इसको भी। सारे पौधों की हम अच्छे से उड़ाई करके ये हमने इसमें कर दिया है। ये देखिए ये घास है, ये तो घास को निकाल दीजिए, कोई फूल नहीं है, ये घास ही है, तो घास को निकालते जाइए। ये किस चीज़ का है, इसको भी निकाल दें, इसमें हेड लगा रहने देते हैं। तो देखिए पर्यावरण को आप जितने अच्छे से पौधे लगाने भी चाहिए, इनकी केवल लगा के छोड़ने से काम नहीं चलेगा, समय समय पर इनको गुड़ाई की, खाद की, सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब ये आप देख रहे हैं कि हमारा मनी प्लांट का जो गमला है, देखिए कितना बुरा हाल है इसका। अब इसको तो सख्त ज़रूरत है पानी की भी और खाद की भी, इसको सब चीज़ की ज़रूरत है। हम इसमें से ये पीले पीले पत्ते हैं इसको हटाएंगे, ये हटा देंगे, सबको हटा देंगे, साफ़ कर देंगे बढ़िया से। ये देखिए हमारी खाद तैयार हो चुकी है, हमने इसको 2 से 3 घंटे रखा, एकदम पानी जैसा हो गया। अभी इस खाद का उपयोग ऐसे करिए कि ये कोई पौधा जल ना पाए, तो थोड़ा थोड़ा डालिए, जैसे इतना है ये छोटे पौधे के लिए पर्याप्त है। ये देखिए ऐसे डालना है इसको। हमने ये मेरे पास टूटा हुआ ये कटोरा था, देखिए कबाड़ से जुगाड़ वाले लोग हैं हम, तो ये देखिए हमने इसमें डाला ऐसे, फिर हम इसमें छोटे छोटे पौधों में थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है इसको। और ये धीरे से जब तरल है तो ये आराम से पौधों में अंदर तक जाएगा, जैसे ही हमारे शरीर के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हमें इन सब के लिए खाद की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। ये आराम से फिर हम शाम तक इसमें फिर से पानी डाल देंगे। सभी पौधों में मैंने एक एक कटोरा डाल देना, जो बड़े वाले हैं, और जो छोटे हैं उसमें आप थोड़ा डालिए। इसमें हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, इसमें भी डालेंगे और ये इधर इधर डालेंगे, क्योंकि हम खाद प्राकृतिक खाद है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे ताकि पोषण भी हो जाए इसको। तेल है आप उतना डालिए, अपनी जड़ों में लग जाए तो हमारे बाल सही रहें, ज़्यादा डालने से तो बाहर ही आ जाएगा, बह जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जैसा बच्चा होता है भोजन बच्चे को वैसे ही देते हैं, वैसे ही खाद भी उससे दीजिए आप बच्चे को, बच्चे की उम्र के हिसाब हम लोग खाद का डिसाइड कर सकते हैं। ज़्यादा दे देंगे तो वो आपका पेट खराब कर देगा, वैसे ही पौधे को जला सकता है आपका। तो हमने इस तरह से इसमें ये लिक्विड खाद, पहले हमने पौधों की सफाई की और अब हम सारे पौधों को पोषण तक दे रहे हैं। तो देखिए आगे इस पर चलिए, देखिए छोटे छोटे पौधे हैं हमारे, सब में थोड़ा थोड़ा दे देंगे हम। सबकी हमारी सफाई हो चुकी है पौधों की और हम सब में दे रहे हैं, तो जब हम अच्छे से दे देंगे तो ये थोड़े दिन बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे हमारा। सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा करके हम दे देंगे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दें, नहीं तो पौधा आपका जल जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा देंगे, जो पौधा बड़ा है उसमें हम ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि जैसे बड़े आदमी को ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है, वैसे ही बड़े पौधे को बड़ा खाद जरूरी है उसको, ठीक है, खाद की मात्रा उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे हम भर देंगे इसको और ये अंदर तक जाएगा, ये गुड़हल है हमारा। ठीक है, अब टाइम आ चुका है इसका फूल देने का भी, और ये देखिए इसमें तो मल्टीपर्पज़ पौधे लगे हुए हैं, बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि देखिए कितने सारे पौधे हैं इसमें। सभी पौधों को खाद की आवश्यकता है, सभी को हम देंगे बढ़िया से। कुछ शाम को इनकी फिर से एक बार सफाई करूँगी, ज़्यादा किसी में नहीं भरेंगे। ये देखिए हमारी खाद एकदम लिक्विड है, पानी की तरह है, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, देंगे हम सभी में, कोई भी पौधा छोड़ेंगे नहीं, ताकि हम खाद की मात्रा सबको ज़रूरत है तो सबको देंगे। बस ये है कि क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पौधे में कितनी क्वांटिटी हो, मिट्टी का
की आवश्यकता कितनी है। तो इस तरह से हम वापस देंगे खाद को। हमने सारे पौधों में खाद दे दी है। पर्यावरण हमारे चारों ओर जैसे कि मनुष्य है, जीव जंतु हैं, आपको पास कुत्तों की आवाज़ तो आपको आ ही गई है, जो बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो जीव जंतुओं की कमी नहीं है, पर्यावरण में वो भी आते हैं। तो हमारे जो चारों तरफ है वो सब पर्यावरण होता है। तो ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है। तो हमने इस तरह से सारे पौधों में अपना आज खाद दे दिया है। और ये खाद बहुत ज़रूरी था, बहुत सर्दियों में पौधे एकदम बर्बाद हो गए थे। थोड़ा सा ठंड में काम करने में आलस भी आता है, लेकिन पेड़ पौधों को लगाना है तो उनका ध्यान भी रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने सारे पौधों में खाद डाल दी है। देखिए खाद जब डाल जाएगी तो इस तरह से ये एब्जॉर्ब कर लेगा, शाम तक ये सारा आपको एब्जॉर्ब मिलेगा। और हम सब में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे तो जिससे बिल्कुल ये नीचे तक पहुँच जाएगा।